हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज की हमारी जर्नी होने वाली है इंदौर टू भोपाल, और आप मेरा बैग देख के तो समझ ही गए होंगे कि सिर्फ भोपाल तक की जर्नी नहीं है, उससे भी और आगे जाना है। और भी एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए, और आई होप आपको अच्छा कंटेंट मिले। जब तक आप प्रीव्यू देखो, मैं मिलता हूँ अपने स्टॉप पे। हाँ तो गाइस, कैसा लगा आपको प्रीव्यू? प्रीव्यू देख कर तो आप समझ गए होंगे कि आज अपन जा रहे हैं एक अलग तरीके की बस से। अलग तरीके की से यह है इलेक्ट्रिक बस। एक नया कॉन्सेप्ट आया इंदौर में, इंदौर टू भोपाल के बीच में इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। और वैसे यूजुअली मुझे आई डोंट प्रेफर बस जर्नी, मतलब ऐसे ही, मतलब नो हेट टू बस लवर्स, बस ऐसे आई डोंट प्रेफर बस जर्नी, बस स्टिल एक नया एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए आज जा रहे हैं। बस का नाम येलो बस है। बस की अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो बस इंदौर से 6:40 को निकलती है राजीव गांधी सर्कल से, फिर 7 बजे आ जाती है अपने मधुमिलन स्क्वायर सरबटे बस स्टैंड, और 7:05 को अगर अपन बात करें तो 7:05 पे आ जाती है शिवाजी वाटिका के पास, और 7:20 का टाइम है इसका पिपलियाना स्क्वायर जहाँ से मैं बोर्ड करने वाला हूँ, फिर 7:30 को इसका टाइम है रेडिसन पे, 7:40 को स्टार स्क्वायर, और 7:50 ऐसा कुछ अप्रॉक्स 8 बजे के लगभग देवास बाईपास। ये इतने बोर्डिंग पॉइंट्स हैं इंदौर से, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचने का टाइम 10:40 का है, और वहाँ से आपको दो ऐसी सर्विस बस मिलेगी जो आपको या तो बस स्टैंड पहुँचा देगी ISBT, या तो फिर आपको रेलवे स्टेशन उतार देगी। और अगर हम फेयर की बात करें तो इसका फेयर 440 रुपीज़ है, बट बाय डिस्काउंटेड प्राइस वो मुझे 370 रुपीज़ में पड़ा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट बुकिंग थी वो मेक माई ट्रिप ऐप से। सो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो मैं पहुंच गया अपने स्टॉप पे। अब थोड़ा शांति से बात करते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लेट था लिटिल बिट, और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश में मैं चलते चलते आपसे बात कर रहा था। अपनी बस आने वाली है, बस वाले भैया का फ़ोन आ गया, कैप्टन का। आपने अभी लास्ट वाली जर्नी देखी कि नहीं, जो मैंने इन दिल्ली टू इटारसी की डाली हुई है 1:26:42 तिरुकुरल एक्सप्रेस की, 3 ईयर्स ओल्ड जर्नी है वो, बट स्टिल आप देखना बहुत अच्छे से बनाई है, और उसमें कुछ ब्लॉगिंग वॉगिंग नहीं है, बट जर्नी कंपाइलेशन है बहुत अच्छा है। ये इस तरफ पिपलियाना स्क्वायर है जिधर से मैं आया हूँ, और बस हमारी जाएगी इस तरफ ये वाली साइड पे। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर कुछ ऐसा है, और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और अगर हम सीट्स पे देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा USB केबल के लिए। रिक्लाइनर सीट्स है वो भी रिक्लाइन हो जाती है, और काफ़ी अच्छी स्पेशियस, मतलब लेग रूम अच्छा खासा है, ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। और यहाँ पे कैमरा भी दिया हुआ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और कुछ ऐसा व्यू है। और आज बस ज़्यादातर खाली ही है, अभी क्या नई नई स्टार्ट हुई है तो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, और मेनली क्या है ना, बिल्कुल फील नहीं होता है कुछ भी इसमें, बस चल भी रही है यानी जैसे आप, हाँ ऑल दो चार्टेड जो है वो उसमें भी इतना फील नहीं होता है, बट फिर भी एक होता है ना कि इंजन साउंड जो होता है इसमें बिल्कुल निल इंजन साउंड होता है। और ये ड्राइवर केबिन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये ड्राइव का बटन है, न्यूट्रल और रिवर्स का बटन है, और उसके बाद ये पूरा उनका मॉनिटर, ये जो है ये कैमरा सिस्टम है, इसमें उनको पूरा 360 डिग्री व्यू का कैमरा दिखता है। तो ये हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बस के बारे में, और बाकी अगर हम अभी बात हो पाई तो ड्राइवर से बात करके आपको थोड़ा सा बस की और जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
गाइज अपना ब्रेकफास्ट एक पोहा और एक चाय। पोहा पड़ा मुझे 30 रुपीज़ का, चाय पड़ी मुझे 15 रुपये की। और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा क्या टेस्ट है। अभी हम हैं हाईवे ट्री डोडी पर, यहाँ पे रेस्ट स्टॉप है 10 मिनट का, फिर बस चल जाएगी। मैं फटाफट खाता हूँ तो लेट जाऊँगा। हाँ जी, तो यहाँ से ली है हमने ये सर्विस बस लाल घाटी स्टॉप से, और लाल घाटी से ये हमको लेके जाएगी ISB। लाल घाटी से एक बस और जाती है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो जाती है डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। अभी हम VIP रोड के रास्ते से जा रहे हैं ISBT, ये पिकअप वैन से। हाँ जी, तो आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम कोच कैप्टन कैलाश गुप्ता है। अच्छा, तो आप एलो बस के साथ कब से काम कर रहे हैं? सर मुझे अभी 1-2 महीने होने वाले हैं। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको ये इलेक्ट्रिक बस चला के? सर काफी अच्छा महसूस करते हैं इसको चला के। अच्छा, और आपने इससे पहले और कोई सी बस चलाई है? जी सर, वही मतलब ये ट्रैफिक बस है, मतलब ये अपनी रेड बस भी चलाई है, लाइन वाली बस भी चलाई है। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक बस में पहला एक्सपीरियंस है आपका? जी सर। तो आपकी इसकी कुछ ट्रेनिंग हुई थी या कुछ भी? नहीं सर, ट्रेनिंग हुई थी हमारी। कितने टाइम की ट्रेनिंग हुई आपकी? सर मेरी ट्रेनिंग हुई थी करीब 6-7 दिन। अच्छा, और इसमें एक बार की बैटरी में कितनी चल जाती है बस? सर एक बार की बैटरी में इसमें 270-280 किलोमीटर अपन ड्राइव कर सकते। अच्छा, और चार्जिंग कितनी देर में हो जाती है? सर चार्जिंग इसको 90 मिनट लगते हैं दोनों गन से, और अगर एक गन से अपन इसको चार्ज करेंगे तो सर करीब 2.5-3 घंटे, मतलब 2 इनलेट है और 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। जी सर। हाँ जी, तो वेलकम टू सिटी ऑफ लेक्स, और कह सकते हैं सपनों का शहर भोपाल में आ चुके हैं। अभी ISBT पे आ गया हूँ मैं, और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सिर्फ 3 घंटे में इंदौर टू भोपाल, वही बहुत स्मूथ राइड थी, पता नहीं चला कब राइड हो गई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे ID आ रही होगी, उस पर बहुत बढ़िया कंटेंट, रील्स सब आती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।